काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार डनलप फैक्ट्री पर छाए संकट के बादल छंट गए। रविवार को प्रबंधक और श्रमिकों के बीच हुए समझौते के बाद अब अगस्त सितंबर में फैक्ट्री में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। बहुप्रतीक्षित समझौते पर रुइया समूह के चार वरिष्ठ प्रतिनिधियों और कर्मचारी संघों ने एक सादे समारोह के दौरान हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि पिछले वर्ष रुइया समूह ने डनलप की इस बंद हो चुकी इकाई का प्रबंधन दुबई के जंबो समूह से ले लिया था। चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डनलप इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अशोक जाजोदिया ने किया। कर्मचारी संघों की ओर से भारतीय कर्मचारी संघ कांग्रेस INTUC, महासचिव रंजीत नियोगी और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के महासचिव दीपांकर रॉय चौधरी तथा उनके छह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। डनलप की साहागंज इकाई मार्च 2001 में बंद हो गई थी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रुइया समूह के अध्यक्ष पवन रुइया ने कहा कि डनलप की साहागंज इकाई के 2600 पूर्व कर्मचारियों को नए संयंत्र में दोबारा नौकरी पर रख लिया जाएगा। बाकी बचे कर्मचारियों को 3 किश्तों में दे आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस समझौते को डनलप के पूर्व कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बतलाते हुए श्री रुइया ने कहा कि ये समझौता कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी चर्चा के बाद हुआ है। कंपनी के इस संयंत्र को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया अगले 2 हफ्ते के भीतर प्रारंभ करने की योजना है ताकि अगस्त सितंबर से उत्पादन शुरू हो जाए। Today, finally, we have concluded and signed the memorandum, signed the final agreement with the unions today. According to that, the company will have to pay the gratuity for the people who have already retired by now and whose money is outstanding on or before the start of the production of the factory. As per the major agreement signed, the company will clear the gratuity which is outstanding and not paid. So as per the now understanding arrived, the gratuity which is already due for the people who have already retired and outstanding will be cleared by the company on or before the start of the production. The gratuity for the people who will be taking early retirement scheme, those gratuity will be paid 50% on the 45th day and balance 50% on 180th day from the start of production of the factory. Rajnitik rally mein jan sadharan ki apekshaon ki mang ko